हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लॉसम कुचर के सनस्क्रीन का रिव्यू करने वाले हैं। बहुत ही जेन्युइन रिव्यू है, मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है और मैं इसको लगभग 3 4 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा पहला वीडियो है क्योंकि मुझे लगा कि कई लोगों को ये चाहिए होता है कि कोई इंग्रेडिएंट्स ना पढ़ के बताए बल्कि ये बताए कि प्रोडक्ट रियल में अच्छा है कि नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो बनाने वाली हूँ, जो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा कि ये आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये एक सनस्क्रीन है, ठीक है, SPF 30 का है। SPF APA++ 30 ऑल नेचुरल मिनरल लाइन सनब्लॉक लोशन ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB प्रोटेक्ट्स एंड मैटिफाइज अरोमा मैजिक ब्लॉसम कोचर अरोमा थेरेपी स्किन केयर एसेंशियल्स, ठीक है, अरोमा मैजिक ऑल स्किन टाइप्स। तो ये सबसे बड़ी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये सारे स्किन टाइप्स के लिए है। और पीछे बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको इतना ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। इसमें लिखता है कि मैं 100% फ्री हूँ ऑक्सीबेन जोन से, पैराबेन से, हार्श केमिकल से, अल्कोहल से, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से। माई ऑल मिनरल अल्ट्रा इफेक्टिव फॉर्मूला क्रिएट्स अ फिजिकल बैरियर बिटवीन यू एंड द सन। आई एम नॉट ग्रीजी, स्किन फ्रेंडली, एनरिच्ड विद कैरेट सीड, वीट जर्म एंड जुजुबा ऑयल्स एक्सेट्रा। तो ये जो डिटेल है ये बहुत ही अच्छी है, ये बताता है कि वो बहुत सारे जो कि हार्श केमिकल्स हैं उनसे फ्री है। तो ये सही बात है, ये पैराबिन से फ्री है, ऑक्सीबेन जोन से फ्री है और बहुत सारे हार्श केमिकल्स से ये फ्री है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको बहुत दिन से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ख़त्म होने वाला है और जब ये ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि आप, मैं निकालते वक्त क्या होता है कि ये ऐसा हो जाता है निकालते निकालते, तो आपको उतना ही निकालना है जितना आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मैं इसको अभी आपको लगा के दिखाती हूँ कि काम कैसे करता है। ये जो अगर आप ऊपर का पोर्शन लगाते हैं तो ये करता क्या है कि ये व्हाइट कास्ट तो ऐसे भी छोड़ता है, लेकिन अगर ये ऊपर का पोर्शन में लगाऊंगी तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट छीदे जैसा भी दिखेगा, तो वो अच्छा नहीं है इसका। केवल तो आप जब इसको इस्तेमाल कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ये अंदर ही रहे, बाहर नहीं आए। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये होता है इसके साथ। तो स्किन में इसको डिजोल्व होने में कम से कम 15 मिनट्स का टाइम लगेगा, और अच्छे से डिजोल्व करना है तो 15 मिनट्स तो लगेगा ही। लेकिन ऐसे जो है, ये आप इसको अगर जो है रब करते चले जाएंगे, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट आप इसको मत इस्तेमाल कीजिएगा। आप अंदर से निकाल करके फिर इसको रब करेंगे तो अच्छे से मिक्स भी होगा और ये जो चीज़ें हो रही हैं ये नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये लोशन बेस्ड है, क्रीम बेस्ड है, जैसे कि आप देख के ही समझ रहे होंगे कि ये क्रीम बेस्ड है, ठीक है, ये क्रीम बेस्ड है। देख लीजिए इसको, ये एकदम क्रीम बेस्ड है, ठीक है, देखिए क्रीम बेस्ड है। और इसके अलावा ये स्किन में डिसॉल्व होने में ये कम से कम आपको 15 मिनट्स का टाइम इसको अच्छे से देना है। अगर आप इसको अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपको चाहिए कि अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, व्हाइट कास्ट नहीं दिखे, क्योंकि ये व्हाइट कास्ट छोड़ता है, ठीक है। लेकिन व्हाइट कास्ट अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो अपने आपको 10 to 15 मिनट्स का टाइम नेचुरली देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा ये बिल्कुल हार्श फ्री केमिकल्स से फ्री है, मतलब जो भी आपका केमिकल्स जो कि काफ़ी हार्श होते हैं, जैसे पैराबेंस बहुत ही हार्श केमिकल है, अच्छा नहीं है, तो उन सबसे ये फ्री है, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसका मैट फिनिश है, कोई चमक नहीं आएगी। जैसे जेल बेस्ड कई बार क्या होता है कि हम कोई क्रीम लगाते हैं चमकने लगता है, वो तो शाइन देता है, वो अजीब से शाइन देता है, वो ऐसी शाइन कुछ नहीं है इसके अंदर, ये क्रीम बेस्ड है, आपके स्किन में ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका क्लॉगिंग ऑफ पोर्स, ये आपके पोर्स में जाके क्लॉग नहीं करता, उसको बंद नहीं करता है, ठीक है, सांस लेने के लिए, जैसे आपकी स्किन भी तो सांस लेती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अफोर्डेबल है, जैसे कि ये प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 350 दिया हुआ है, लेकिन नायका से ये आपको कम से कम आपको 300 तक तो आराम से पड़ जाएगा, जब भी डिस्काउंट लगता है तब, ठीक है, नायका से। तो मैं इसको नायका से ही ऑर्डर करती हूँ तो ये 300 के अराउंड पड़ जाता है मुझे, ठीक है। ये समर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है समर्स के लिए, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर जो है क्रीम बेस्ड है, तो क्रीम वाली जो टेक्सचर है वो एक दे देता है, तो आपका चेहरा भी जो है एकदम जैसे रेडी टू गो, मतलब बाहर जाने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। आपको फिर जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी अप्लाई करें, बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये क्रीम बेस्ड तो है ही, बहुत अच्छा है। इसके अलावा समर्स के लिए तो ठीक है, चलिए मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि मैं इसको अपने डायरेक्टली फेस पर अप्लाई कर देती हूँ, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। लेकिन विंटर्स में क्या है, ये आपकी स्किन शायद थोड़ी ड्राई कर देगा, क्योंकि मुझे इस बात का नहीं जानकारी है, मैं इसको विंटर्स में नहीं यूज़ करती हूँ। तो विंटर्स में जो है आप इसको लाइट मॉइस्चराइज़र लगा करके इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरी बहन इसको इस्तेमाल करती है तो उसको विंटर्स में भी ये बहुत सही पड़ता है। हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये हम दोनों को काफ़ी ठीक पड़ता है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये आपको ऐसे नेचुरली मार्केट में आपको इसका ऐड नहीं मिलेगा, आपको ये स्पा के लिए इस्तेमाल होता है, इतना मुझे इतनी इसकी जानकारी है कि ये स्पा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसकी पैकेजिंग तो आप देख ही रहे हैं कि पैकेजिंग जो है वो बहुत ही छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी है, येलो कलर की है, देखने में सबसे अलग, आपको अलग से ही बिल्कुल उभर के दिखेगी कि नहीं, हाँ भाई यही अरोमा मैजिक का ब्लॉसम कोचर का प्रोडक्ट है, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉसम कोचर का प्रोडक्ट है, आपको समझ में आ जाएगा दूर से ही, क्योंकि इसकी पैकेजिंग ही बहुत ही काफ़ी क्यूट सी होती है, देखिए बहुत ही क्यूट है। इसी में आपको ग्रीन, आपको येलो, आपको ब्लू एक्सेट्रा कलर्स में भी मिल जाता है, और ये कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छी है, ऑल स्किन टाइप्स है तो सभी के लिए अच्छी होगी। और फ़र्क आप थोड़ा सा देख लीजिए, फ़र्क आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये अभी आपके सामने मैंने अप्लाई किया है, कोई कट नहीं है इस वीडियो में, तो फ़र्क आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छा है।
ये आप अगर आपने इसको नहीं इस्तेमाल किया है तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको निराश नहीं करेगा। मुझे तो अभी तक निराश नहीं किया इसने, और मैं इसके फर्दर पैकेजेस भी खरीद ही रही हूँ। तो अभी यही वाला प्रोडक्ट मेरा कुछ दिन पहले आया है, 2-3 दिन पहले ये ख़त्म होने वाला है। ये बिल्कुल फिनिश्ड हो चुका है। ये मेरा जो प्रोडक्ट है ये आपका 100 ml का है, और मैंने अभी इसको 150 ml का अभी अभी परचेस किया है, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं तो मैंने इसको छोटा पैकेज खरीद लिया है, 50 ml का खरीदा है। ये 210 इसकी प्राइस लिखी हुई है, मगर मुझे जो है नायका पे ये काफ़ी 158 rupees में, ये 158 या 154 जो है पड़ गया होगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ये आप ये 100 ml का है और ये 50 ml का है। प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। और देखिए इसकी पैकेजिंग, छोटे वाले की भी पैकेजिंग आप देख ही लीजिए, छोटा वाला इतना छोटा है, ठीक है। ये 100 ml का है और ये 50 ml का है। 100 ml वाला जो है वो आपका कम से कम आपको ऑनलाइन जो है वो 300 के अराउंड पड़ जाता है, और जो 50 ml वाला है वो 210 का है, लेकिन आपको 158 में पड़ जाता है। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा, एक बार इस्तेमाल करने के लायक है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है और केमिकल्स फ्री है। तो हाँ, एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल जेन्युइन जो है रिव्यू है, फेक नहीं है। मेरे रिव्यू जो है बहुत ही लेट से हो सकता है यहाँ, क्योंकि मैं वही प्रोडक्ट्स की रिव्यू करूँगी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, वही जो खरीद करके दोबारा लेती हूँ। तो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर किसी को सचमुच में जो है रिव्यू अच्छा चाहिए तो। अदरवाइज़ आप नायका पे जाकर के रिव्यूज़ तो देख ही सकते हैं, रेटिंग्स भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़फुल है।